Nitesh Khare, founder and president, Society for Animal Safety India. And today we are here to discuss something really important, which every volunteer tries to get information on and struggles to handle such cases. हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंशनल हिटिंग एंड इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन एनिमल। पहले हम बात करेंगे इंटेंशनल हिटिंग ऑफ एन एनिमल। इंटेंशनल हिटिंग होती क्या है? हिटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम किलिंग एन एनिमल। हिटिंग में जानवर को चोट पहुंचती है, उस चोट के लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी सब चीजों की बहुत सी नॉलेज होती है, बट लीगली हम उसको कैसे परसू करें ये हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। आज हम लीगली उसे कैसे परसू करें हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जब भी आप किसी जानवर को देखें कि कोई इंसान उसे मार रहा हो या आपको कोई रिपोर्ट करे कि उसको मारा गया हो, तो आप उस लोकेशन पे पहुंचे, आप पुलिस से कॉन्टेक्ट करें, 100 नंबर पे डायल करें या देखें कि आसपास कोई पुलिस स्टेशन या चौकी है जहां से आपको मदद मिल सकती है, और उसके बाद वहां पे जो जानवर है उसको कितनी चोट आई है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की कितनी इमीडिएट आवश्यकता है वो एसेस करके आप नियरेस्ट मेडिकल एनजीओ या मेडिकल सेंटर्स को कॉन्टेक्ट करो। जब आपको इंश्योर हो जाए दैट द एनिमल इज सेफ, देन आप पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए जो इस घटनाओं में जो बेसिक सेक्शंस अप्लाई होते हैं वो है प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960 11(1)(a), और जो है उसके बाद लगता है पब्लिक न्यूसेंस भी हम लगा सकते हैं, आईपीसी सेक्शन 268, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी लगा सकते हैं। ये जनरली वैरी करता है सिचुएशन पे, इंसिडेंट पे जो हुआ है, और इसमें पुलिस हमारी मदद कर सकती है ये जानने के लिए कि कौन कौन से आईपीसी सेक्शंस लगते हैं। जब ये एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, जब आप एक कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस उनमें उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और अक्यूज को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट डिसीजन लेता है कि उसको क्या पनिशमेंट दी जाए। ये बात हो गई इंटेंशनल हिटिंग की। अब हम आगे बात जो करने वाले हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन एनिमल। इंटेंशनल किलिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है हैंडल करने के लिए, बिकॉज किलिंग ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज ऑब्वियस अ हीनियस एक्ट, एंड हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिसने ये एक्ट किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम एक लैंडमार्क क्रिएट करें कि आगे अगर कोई ऐसा सोच भी रहा हो करने की तो कभी ना सोचे। तो जब किसी जानवर को मार दिया जाता है जान से, तो इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो स्पॉट पे पहुंचे और 100 नंबर पे डायल करके बीट मार्शल बुलाएं। बीट मार्शल आने के बाद वहां पे आपको उस बॉडी का पंचनामा कराना है। पंचनामा कराने के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को और पंचनामा रिपोर्ट को नियरेस्ट गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाती है, और उसके बाद वहां पे आपके जो जानवर है जिसकी मौत हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके सैंपल्स कलेक्ट करके उसको जो है पोस्टमार्टम किया जाता है। इसकी एक इंटरिम रिपोर्ट निकलती है गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल से, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और वो रिपोर्ट डायरेक्टली उस पुलिस स्टेशन को दी जाती है जहां पे पंचनामा हुआ है। जब ये प्रोसेस हो जाता है और इंटरिम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि इसको इंटेंशनल मारा गया है, तो उसके बाद पुलिस में आप FIR दर्ज कराएंगे। जो बेसिक सेक्शंस इसमें लगेंगे वो PCA एक्ट 1960 11(1)(a) है, पब्लिक न्यूसेंस और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी लगा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण IPC 428 एंड 429 अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ एन एनिमल। अगर वो एक कैटल है तो 429 IPC लगती है, अदरवाइज 428 लगती है। ये सब होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और उसके बाद वो अक्यूज को ढूंढती है। अक्यूज मिल जाने पे वो कोर्ट में पेश किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शंस जो भी उस पे लगाए गए हैं उस पे उसकी पनिशमेंट डिसाइड होती है। आई टोटली अंडरस्टैंड दीस जॉब्स ऑफ वॉलंटियरशिप इज प्रीटी टीडियस एंड टायरिंग, एंड आई नो मेनी पीपल स्ट्रगल,
बट अगर इन केस आपको ये लगता है कि आपको ये प्रोसेस करने में कठिनाई है और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कभी भी SAS इंडिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SAS इंडिया पे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हमारी वेबसाइट www.sasindia.org पे जाइए और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हमारी लीगल टीम आपको अप्रोच करेगी, आपसे बात करेगी, घटना को समझेगी और इस पे जो भी एक्शन लेना होगा वो जरूर लेगी। बस आपसे यही विनती है कि अवेयरनेस फैलाएं, जानवरों की रक्षा करें, उनके लिए स्नेह रखें और इन चीजों को रोकने के लिए हमेशा डटकर खड़े रहें। धन्यवाद।